हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपके सामने क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो एचएम का एग्ज़ाम हुआ है, हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 31st ऑफ मई 2022 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 12 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, तो एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है आपका, तो उसका ये पेपर है जिसका हम ये पार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से, ये आई थिंक सेट नंबर सी है, सेट सी का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है 106 से लेकर जो 150 को तक क्वेश्चन है, इसको इस पर्टिकुलर पार्ट में इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बाकी क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी मैं फिलहाल छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सामने हमारा क्वेश्चन है 110 नंबर का क्वेश्चन। तो 110 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोटोप्लास्ट क्या होता है। देखिए प्रोटोप्लास्ट, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पादप कोशिकाएं या कोशिक भित्ति। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर पहले क्वेश्चन का, पहले का मतलब 110 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, ये हिंदी में पेपर मुझे मिला है, इंग्लिश में पेपर मिल नहीं पाया, नहीं तो मैं तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी के साथ बता देता, बट हिंदी में थोड़ी सी समस्याएं हो जाती हैं कई बार, है ना। तो चलिए देखिए फिर हम बात करते हैं 106 नंबर, अभी हम स्किप कर रहे हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पूछा गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीलेट, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 111 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, तो यहाँ पूछा है कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। तो वो जो हार्मोन होता है बेसिकली वो कहलाता है आपका थायराइड हार्मोन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 111 नंबर प्रश्न का। 112 नंबर प्रश्न की हम बात करें, यहाँ पर पूछा है पति का ब्लड ग्रुप ए है, पत्नी का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप है बच्चे का वो कुछ भी हो सकता है, ए बी, ए बी ओ, कोई सा भी हो सकता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए 108 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, मतलब केमिकल चेंजेस के बारे में पूछा गया, कौन सा केमिकल चेंज यहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए खाना बनता है तो केमिकल चेंज होता है, भोजन का पाचन मतलब जब फूड का डाइजेशन होता है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर केमिकल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, पानी का जमना या पानी का गर्म होना, तो ये तो आपका फिजिकल चेंज है, बट दो यहाँ पर केमिकल चेंज है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा 108 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, मतलब ए और बी आपके दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर ई जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए फिर देखिए 109 नंबर क्वेश्चन, गाजर का रंग नारंगी होता है। देखिए गाजर का जो रंग है नारंगी होता है, क्यों होता है, इसका कारण है इसमें कैरेटिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, और 113 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा मेरे को समझने में, ये वर्ड को इंग्लिश में होता थोड़ा सा ईजी हो जाता, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा मुझे, तो अभी मैं इसको क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दूंगा मैं। फिर देखिए 114 नंबर प्रश्न, मानव कान का जो श्वेन आवृत्ति परिसर है वो क्या होता है, मतलब जो ह्यूमन हर ईयर्स है हमारे कान जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, तो वो होता है 20 Hz to 20,000 Hz। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 114 का। 115 की बात करें, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि, देखिए ब्लैक बोर्ड काला आपको क्यों लगता है, काला लगता है बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्योंकि किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। भाई जो भी जिस भी कलर से ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है तो वो वही कलर वहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 118 क्वेश्चन की बात करें, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। देखिए इंद्रधनुष जो बनता है उसका जो 118 क्वेश्चन का, तो यहाँ पर जो कारण बन रहा है मेरे ख्याल से, तो पानी की बूंदों के माध्यम से जो सूर्य के प्रकाश का विसरण आपको देखने को मिलता है, डिस्पर्शन जिसे कहते हैं, और पानी की बूंदों द्वारा सूर्य का प्रकाश में अपवर्तन और परावर्तन, ये दोनों चीज़ें, मतलब ऑप्शन बी और डी ये दोनों होने चाहिए करेक्ट आंसर इंद्रधनुष बनने के कारण। तो यहाँ पर जो मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई होना चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपके सही है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्यासा का उदाहरण नहीं है, नॉट प्यासा, दैट इज पायस, पायस, ठीक है, पायस का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर जो 119 नंबर प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर होगा दही,
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए एक्चुअली पेपर इंग्लिश हिंदी में है तो थोड़ी सी तकलीफ हो रही है, मतलब समझने में हो सकता है कि कहीं आगे पीछे हो जाए, बट इंग्लिश में अगर जो पेपर है आपके पास तो प्रोवाइड करिए, मैं वीडियो दोबारा बना दूंगा विद 100% एक्यूरेसी के साथ में। इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन को समझने में मेरे को थोड़ा सा गलती हो जाए, तो आंसर भी आपका हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, बट कोशिश करिए कि गलती ना हो, है ना। तो 119 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 116 की हम बात करें तो साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है, तो ये आपका दिखता है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिकरण के साथ वजह से। ठीक है, इंटरफेरेंस जिसे कहते हैं आप इंग्लिश में, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न 117 नंबर, पानी की बूंद तैलीय स्तर पर नहीं चिपकती, जो ऑयल होता है आपका वाटर के ऊपर मतलब चिपकता नहीं है, उसमें अलग ही आपको नजर आता है, ये क्यों होता है ये पूछा गया है। तो इसकी वजह से चिपकने वाले बल की कमी की वजह से, जो एडहेसिव फोर्स होता है उसकी कमी की वजह से, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी सिरका की संरचना है, सिरका मतलब विनेगर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसकी संरचना में यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर पानी में एसिटिक एसिड की मात्रा जो है 5-8% घोल आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर 120 का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जिला पूछा गया है यहाँ पर, तो वो है शिवहर, ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, ये लगभग 443 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर 123, बिहार में निम्नलिखित वन जीव पक्षी अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो बर्ड सेंचुरीज होती हैं उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, ये पूछा है 123 क्वेश्चन में, तो 123 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कैमूर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 123 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिए 122 नंबर प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में घारवाड़ चट्टाने नहीं है, घारवाड़ चट्टाने आपकी कहाँ देखने को नहीं मिलती, तो वो है कैमूर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 122 नंबर प्रश्न का। फिर हम बात करते हैं 124 नंबर प्रश्न की, बिहार में निम्नलिखित प्रशासनिक प्रभागों में से किसके पास सबसे कम जिले हैं, मतलब किस मंडल बेसिकली जो होता है ना, मंडल बनाए गए हैं, 8 मंडल बनाए गए हैं, तो उनमें से किसके पास सबसे कम जिले आपको देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर जो 124 नंबर प्रश्न है उसका करेक्ट आंसर है भागलपुर, भागलपुर के पास सबसे कम जिले देखने को मिलते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित 125 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से कौन से जोड़े का जो बेसिकली जोड़े बनाने हैं, देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है, तो देखिए यहाँ पर जो मेरे ख्याल से इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, एक्चुअली फैक्ट्स में थोड़ी सी मुझे डाउट है, बट अगर जो मैं जाऊँगा तो भारत और चीन के साथ जाऊँगा, क्योंकि देखिए भारत और चीन की सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और फिर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश एक बहुत लंबी सीमा के साथ पेयर करता है, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए होना चाहिए करेक्ट आंसर, अगर जो आपको लगता है कोई दूसरा है तो उसका फैक्ट भी ज़रूर बताइए कि कितनी उसकी लंबाई है ना, तो उसको मैं आपका ऐड कर दूंगा, उसको पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें डाउट है थोड़ा सा, बट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर की बात, सुरंग और जोड़ने वाले स्थान को निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब आपको मैच लगाना है जिसमें आपकी टनल्स का नाम दिया हुआ है और वो कहाँ पर आपकी हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है, सुरंग जो है, ये आपका कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर के अंदर है, बिल्कुल सही है। जवाहर सुरंग भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। देखिए अटल सुरंग जो है ना, ये लेह और मनाली, तो देखिए जो ये तो आपका हिमाचल में है, बट ये लेह में नहीं बनता है, यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है ना, तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट आपका डाउटफुल थोड़ा सा जा रहा है। फिर आगे देखते हैं, जो जिला जो सुरंग है निर्माणाधीन है, कारगिल लेह जम्मू कश्मीर के अंदर, बिल्कुल ये आपको देखने को मिलती है, यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 126 नंबर, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से नहीं, ओके ये वाला नहीं हुआ था नंबर, हाँ ये नहीं हुआ है, 126 नंबर प्रश्न जो है, क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए कौन सा क्षेत्र किस देश में पड़ता है, ये वाला बात पूछी गई है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए यूरेनियन फ्रांस ये तो मैच करता है, मकाऊ चीन के अंदर है, लापलाम स्पेन में है, कॉकलैंड यूके में नहीं, आई थिंक ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, थोड़ा सा डाउट है मुझे इसमें, बट ऑप्शन डी इज करेक्ट आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 129 नंबर प्रश्न में,
तो 129 के अंदर जो है आपका 129 जो है यहाँ पर जो रहेगा, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो स्टार्टअप्स हैं उसकी प्रतिशत सबसे ज्यादा है, वो आपके महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं 127 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं है, प्रवाल भित्ति नहीं है देखने को मिलती, ये आपको है इसका करेक्ट आंसर खंबात की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 130 नंबर प्रश्न की हम बात करें तो कौन सी बेसिकली प्रविधि क्या मतलब होता है टेक्नोलॉजी, है ना, तो कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी इस्तेमाल की जाती है कॉफ़ी चाय या रबड़ का जो प्रोडक्शन होता है भारत के अंदर उसके लिए, तो यहाँ पर जो प्लांटेशन मेथड है बागवानी उसका इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 130 नंबर प्रश्न का। फिर देखिए 131 नंबर प्रश्न है हमारा, सुकन्या समृद्धि योजना ये किससे संबंधित है, ये एक्चुअली बालिकाओं को एक छोटी बचत योजना, तो ऑप्शन ए जो है खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। इसमें 10 साल या 10 साल के छोटी जो बालिकाएं हैं उनका एक अकाउंट बैंक अकाउंट जो है वो उनके माता पिता खुलवा सकते हैं जिसमें सरकार की द्वारा से कुछ राशि जो है वहाँ दी जाएगी। ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए है, छोटी बचत योजना है बेसिकली। 133 नंबर प्रश्न, गोलकनाथ बनाम पंजाब वर्सेस के, जो गोलकनाथ के था वर्सेस पंजाब स्टेट, ये किस चीज़ से संबंधित है, ये संबंधित है आपका मौलिक अधिकारों से, ये और क्या हुआ था 1967 के अंदर ये केस देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसद की सबसे बड़ी समिति, संसद की सबसे बड़ी समिति की यहाँ पर बात पूछी गई है कि कौन सी है, वो है प्रकलन समिति, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, वो थे कृष्ण सिन्हा, श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 135 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक होती है, मतलब जो ज्वाइंट सिटिंग होती है उस किस आर्टिकल के अंदर उसके बारे में बात करी गई है, तो वो है आर्टिकल नंबर 108 आपका। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 138 प्रश्न की बात करें, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 136 नंबर प्रश्न, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो चुनाव कब होना चाहिए, अगले 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाने चाहिए अगर जो पंचायत भंग हो जा रही है आपकी। ठीक है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई थी, ये देखिए ये जो प्रश्न है 139 इसके अंदर जो समूह की स्थापना हुई थी ये देखिए इनेक्ट हुआ था, बेसिकली जो एक्ट आया था ये आया था 16 अगस्त को 1948 को और ये इनेक्ट हुआ था, मतलब इनेक्ट की बात करें लागू हुआ था 1949 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 137, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में कहा था कि निजता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, निजता मतलब प्राइवेसी जो होता है ना, राइट टू प्राइवेसी वाला जो अधिकार है वो आपका मौलिक अधिकार है, किस केस के अंदर ये कहा था, ये कहा था जस्टिस के एस पुट्टास्वामी केस के अंदर ये सर्वोच्च न्यायालय ने बात कही थी, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, और ये केस आई थिंक 2017 के आसपास का था केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नवंबर 1949 को जो संविधान के किस या किन उपबंध या उपबंधों का प्रभावी किया गया, मतलब देखिए हमारा संविधान तो 26 जनवरी 1949 को आपको बन के तैयार हो गया था, ठीक है, बट लागू कब हुआ 26 जनवरी 1950 को, है ना, तो बट ये जो बीच में 2 महीने का टाइम था ना इस टाइम पर कुछ चीज़ों को इनेक्ट कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब इसके अंदर जो कुछ आर्टिकल्स हैं जैसे मैं फटाफट लिख देता हूँ, ध्यान रखिए कभी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइव जैसे आर्टिकल नंबर 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 60, 324, 366 एंड 367 है आपका एक, 379 दैट इज 79 के बाद आता है, 380 है, 388 नंबर का है, 391 है, 383 भी है इसमें साथ में। ठीक है, तो ये वो आर्टिकल्स हैं जो संविधान लागू होने से पहले ही बीच में क्या कर दिए गए थे, चालू कर दिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं कौन से किए गए, तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ नहीं है यहाँ पर, केंद्र राज्य के संबंध नहीं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा नागरिकता और निर्वाचन और अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट जिसे कहते हैं संसद,
जो बनी थी, क्योंकि देखिए इलेक्शन जो है 1951 के अंदर हुए आपके, कंडक्ट किए गए थे फाइनली, तो उससे पहले भी जो सरकार चल रही थी ना अंतरिम संसद, तो ये सारी चीजें आपकी लागू कर दी गई थी 26 जनवरी 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 141, निम्नलिखित संस्थाओं में से राष्ट्रीय स्तर की कृषि शाख के लिए मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए कौन सी संस्था जो है वो सबसे उच्च संस्था मानी जाती है एग्रीकल्चर फील्ड में, वो है आपकी नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 141 का। फिर हम बात करते हैं 141, ठीक है, 143 की हम बात करें, आत्मनिर्भर भारत योजना जो है इसके जो स्तंभ है वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है अर्थव्यवस्था होती है, आधारभूत संरचना या जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, ये दोनों चीज़ें होती हैं, टेक्नोलॉजी भी रहती है, तकनीकी आपका रहता है, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से करेक्ट आंसर रहेगा 143 का ऑप्शन नंबर ई, पिप्ट में एक से अधिक वाला ऑप्शन आपका जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 142 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया जिससे सिफारिश की गई कि किसानों की आय जो है वो डबल हो जाएगी, मतलब जो फार्मर्स डबल इनकम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किस कमेटी के द्वारा सजेस्ट किया गया था, वो कमेटी थी अशोक दलवाई कमेटी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर 142 का। 144 की हम बात करें, भारत माला परियोजना जो है उसका मुख्य केंद्र क्या है। देखिए भारत माला परियोजना के अंदर जो लाभ प्राप्त करना नहीं है राज्यों को, सड़क सुधार तो है ही, प्रदूषण नियंत्रण नहीं है इसमें। देखिए मुख्य जो उद्देश्य है वो है माल ढुलाई एवं यात्रियों की गति की दक्षता को अनुकूलन करना, मतलब ऑप्शन ए जो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 144 का। फिर हम बात करते हैं 145वें नंबर क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया औद्योगिक नीति संकल्प जो 1948 में प्रस्तावित की गई थी उसके तहत जो है क्या किया गया था। देखिए इसके तहत जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट किया गया था, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है, जो भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी है उसको अडॉप्ट किया गया था, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 148 क्वेश्चन की हम बात करें, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में स्थिर मूल्य पर बिहार अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 48 का, तो ये जो देखिए ये एक्चुअली टाइम था कोविड पीरियड का, तो इस टाइम पर क्या था मार्च एंड में, मतलब मार्च एंड 2020 के अंदर के बाद से लगभग 21 का जो सेशन चला मार्च तक का, इसमें लॉकडाउन लगा रहा कुछ टाइम, कुछ चीज़ें बहुत लिमिटेड चीज़ें ही ओपन हुई थी, ठीक है, कंप्लीट लॉकडाउन वाली कंडीशन थी, तो क्या है सारी अर्थव्यवस्था तो डामाडोल हो गई थी, बट यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो आपको देखने को मिली थी 2.5% की बिहार के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई 2.5 वाला ऑप्शन है नहीं, तो करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ई, इनमें से कोई नहीं, 2.5 था, बट यहाँ पर एक्चुअली 2.5 तो था ही, बट यहाँ पर 7.5% की जो ग्रोथ डिक्लाइन देखने को मिली, डिक्लाइन इन द ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलती है 7.5% की। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पूछा गया कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2020 और 2021 का था कोविड टाइम वाला, जो बीस टाइम पर फर्स्ट लॉकडाउन लगा था आपका कंप्लीट लॉकडाउन, उसके तहत ग्रामीण बिहार में महिला श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात क्या था। देखिए उस टाइम पर जो जनसंख्या का अनुपात था वो था 4%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। 149th क्वेश्चन की हम बात करें, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष कौन है, वो है एन के सिंह, ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना के अनुसार, जनगणना 2011 में हुई थी जो आपकी, उसके अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना है, तो बिहार का लिंग अनुपात यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कितना 918, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। मानव विकास सूचकांक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसके अनुसार जो कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जब उसको निकाला जाता है उस वैल्यू को, तो यहाँ पर देखिए जीवन प्रत्याशा का रहता है, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी लाइफ आदमी जिएगा उसका एक एक्सपेक्टेंशियल इस पॉइंट को कंसिडर किया जाता है, साथ में यहाँ पर कंसिडर किया जाता है प्रति व्यक्ति आय सकल आय को, तो मतलब ए और डी दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ये स्कूल वर्ष का माध्यम नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो ए और डी है, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो ये थे आपके फर्स्ट पार्ट में हमने इस वीडियो के करे हैं 107 से बेसिकली हम बात करें, 106 नंबर क्वेश्चन को हमने स्किप किया है उसको हम आगे कवर कर लेंगे, 107 से लेके 150 तक के जितने भी ये क्वेश्चंस थे आपके, उसमें एक दो क्वेश्चंस आई थिंक स्किप किए हैं या कुछ जिसमें डाउट है उसको मैंने आपको बता दिया है, तो करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करिए। इंग्लिश में पेपर होता तो मैं और आसानी से कर सकता था, थोड़ा सा दिक्कत होती है ना हिंदी में समझने में कई बार कुछ चीज़ों को, तो ये है बात, और आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे आई होप सो, मैंने कोशिश करी कि सही आंसर दूँ आपको,
तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।